26 जून से 2 जुलाई तक, मतलब कि ये जो सप्ताह है, आपके राशि अनुसार आपके दिन कैसे जाएंगे और आपको क्या क्या करना जरूरी है, चलिए जानते हैं। प्रिय मेष राशि वालों, आपके लिए इस सप्ताह बहुत अच्छा समय रहेगा। आप न केवल अपने जीवन के अच्छी तरह से मैनेज करेंगे, करने में सक्षम होंगे, बल्कि खुशी और शांति भी पाएंगे। अगर आप खुद पर भरोसा करते हैं तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तब तक जीवन के बारे में सकारात्मक रहना और सही चीजें करने का साहस वो मजबूत संकल्प होना महत्वपूर्ण है। आपका परिवार आपका समर्थन करेगा और ध्यान रखेगा कि आप जीवन में सही रास्ते पर है। अपने माता पिता के साथ खुलकर रहना और उन्हें अपने जीवन के बारे में बताना महत्वपूर्ण है। उनके साथ ईमानदार रहे और अपने रिश्तों को संभाल कर रखे। अपने भाई बहनों के साथ बातचीत करना ना भूले और उनके उनके पर्सनल जीवन की महत्वपूर्ण चीजों में उनकी मदद करें। प्रोफेशनल रूप से आप बहुत अच्छा करेंगे और लंबे समय में इनका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आप लगातार सफलता प्राप्त करेंगे और अपने अधूरे कामों का ध्यान रखेंगे। आपके कलीग आपका समर्थन करेंगे और आपकी मदद करेंगे। उनकी सराहना करें और अपने सीनियर के साथ अच्छी तरह से बातचीत करें। बिजनेस में लगे लोगों के लिए भी ये अच्छा समय है। आपको अपने बिंत का मैनेज स्वयं करने और उन पर नजर रखने की आवश्यकता है। ये एकमात्र तरीका है जिससे आप अपनी बिंत स्थिति को बनाए रख सकते हैं और एक स्थिर जीवन जी सकते हैं। अपने परिवार को ध्यान में रखे हुए आप बहुत अधिक खर्च करने से बच सकते हैं और अपनी आय को बचाने की आदत विकसित कर सकते हैं। प्रोफेशनल सलाह लेने से उसके अपने बिंत को प्रभावी ढंग से मैनेज करने में भी मदद मिल सकती है। याद रखिए, धन के मामले में जिम्मेदार होना आपकी और आपके प्रियजनों की भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। आपका पार्टनर आपके लिए कमिटेड होगा और आपकी राय में महत्व भी होगा। इस सप्ताह एक साथ क्वालिटी टाइम जरूर बिताए और गलत फहमियों से बचने के लिए किसी भी चिंता के बारे में खुलकर बात करें। यदि आप कुछ समय में मैरिड है तो परिवार शुरू करने के बारे में सोचने का ये एक अच्छा समय हो सकता है। किसी भी रिश्ते में विश्वास महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने पार्टनर पर पूरी तरह से भरोसा करें। ये सप्ताह आपके और आपके परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाला है। आपके पास जीवन में कुछ रोमांचक करने और अपने पर्सनल वो प्रोफेशनल लक्ष्यों के बीच संतुलन खोजने का साहस होगा। महत्वपूर्ण कदम उठाएं जो आपको अपने और अपने प्रियजनों के लिए एक स्थिर जीवन बनाने में मदद करेंगे। मन की शांति और स्थिरता प्राप्त करने के लिए अपने परिवार सदस्यों की भावनाओं को समझना महत्वपूर्ण है। प्रिय वृषभ राशि वालों, आपको इस सप्ताह बहुत अच्छा समय प्राप्त हो सकता है। वृषभ साप्ताहिक राशिफल के अनुसार चीजें बहुत अच्छी दिख रही है। आप न केवल प्रोफेशनल सफलता प्राप्त करेंगे बल्कि अपने
पर्सनल जीवन को भी बहुत ही समझदारी से संभालेंगे। ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ावा देगा और आपको भविष्य में एडवेंचर के लिए तैयार करेगा। दूसरों की सलाह सुनना और इसे ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। आपकी पर्सनल लाइफ बेहतर होगी और आपकी अपने परिवार के सदस्यों के साथ अच्छी बातचीत होगी। वो आपकी भावनाओं को समझेंगे और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देंगे। आपके माता पिता ये जानने का पूरा हक रखते हैं कि आपके पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में क्या चल रहा है, इसलिए उन्हें अपडेट रखें ताकि आप एक साथ क्वालिटी टाइम बिता सके और अपनी चिंताओं को साझा कर सके। अपने काम पर फोकस रखें और अपने कार्यों को पूरा करें। अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करने से आपको मनचाहे परिणाम नहीं मिलेंगे। सफलता पाने के लिए मेहनत करें और पेंडिंग काम को प्राथमिकता दें। अपने कलीग से सावधान रहें जो आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन विश्वास रखें कि आपके सीनियर आपकी कड़ी मेहनत को पहचानेंगे और आपको प्रमोशन भी देंगे। वित्तीय स्थिति फाइनेंशियल कंडीशन, वित्तीय स्थिति बेहतर होगी और आप अपनी सेविंग्स को बढ़ाने में सक्षम होंगे। हालांकि लाभदायक अवसरों में निवेश करने का ये सबसे अच्छा समय नहीं है। अपनी इनकम में महत्व को समझे और उसके अनुसार रोजाना योजना बनाए। वित्तीय निर्णयों में फाइनेंशियल निर्णयों में अपने परिवार के उद्देश्यों को भी शामिल करें ताकि आप एक साथ महत्वपूर्ण विकल्प बना सके। जल्द ही आपको सकारात्मक परिवर्तन प्राप्त हो सकते हैं। इस सप्ताह पार्टनर के साथ आपके संबंध बेहतरीन रूप से आगे बढ़ेंगे। आपके बीच विश्वास बढ़ेगा जिससे आप अपने पार्टनर को महत्वपूर्ण मामलों में शामिल कर सकते हैं। यदि आप सिंगल हैं और प्यार की तलाश में हैं, तो सितारे आपके पक्ष में हैं। आप रिस्क लेने और किसी में अपना दिलचस्पी दिखाने के बारे में भी सोच सकते हैं। हालांकि शादी पर विचार करने से पहले अपना समय ले और रिश्ते में एक मजबूत नींव बनाए। इस सप्ताह आपको जीवन में धैर्य और दृढ़ता का मूल्य सिखाएगा। आप दूसरों की भावनाओं की बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, जिससे आप उचित प्रतिक्रिया भी दे पाएंगे। लंबे समय में सफलता प्राप्त करने के लिए दूसरों की राय सुने। भविष्य में अच्छे परिणामों के लिए अपने जीवन को प्रभावी ढंग में मैनेज करें। प्रिय मिथुन राशि वालों, ये सप्ताह आपके और आपके परिवार के लिए शानदार रहने वाला है। आप सफलता प्राप्त करेंगे और अपनी प्रतिभा वो कड़ी मेहनत से इसे आगे भी बनाए रखेंगे। हारना माने कड़ी मेहनत करते रहे। जल्द ही आप सकारात्मक बदलाव देखेंगे और आपको मानसिक संतुष्टि दे सकता है। सकारात्मक मतलब पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी को सकारात्मक कहा जाता है। एक देखभाल करने वाला परिवार किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। उनके लिए आभारी रहे और एक साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए अपने माता पिता के साथ यात्रा की योजना बनाएं। ये आराम करने और नई दोस्त बनाने का अच्छा मौका हो सकता है। अपने काम को गंभीरता से ले और सभी काम डेडलाइन के अंदर पूरा करें। अभी नई
प्रोजेक्ट्स को लेने से बचे और अपने सीनियर को प्रभावित करने पर ध्यान केंद्रित करें। ये चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन मजबूत संकल्प के साथ आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आपके कलीग आपका समर्थन करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि सभी कार्य समय पर पूरे हो। आपकी वित्तीय स्थिति मतलब फाइनेंशियल स्थिति आशाजनक दिखाई दे रही है और आपके पास पैसे बचाने के अवसर भी होंगे। उन उद्यमों में निवेश करने पर विचार करें जो अच्छे रिटर्न ला सकते हैं और आपकी वित्तीय स्थिरता मतलब फाइनेंशियल स्थिरता में सुधार कर सकते हैं। पैसे बचाएं और वित्तीय योजना में अपने परिवार को भी शामिल करें। आपका रोमांटिक रिश्ता आगे बढ़ाने वाला है। अपने पार्टनर की भावनाओं को समझे और उससे गहरे स्तर पर जुड़े। अच्छा संबंध बनाए रखने के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया दे। अपने रिश्ते पर पूरा ध्यान दे। आपका पार्टनर एक प्यार करने वाला व्यक्ति है और आपसी प्रयास के साथ आप एक स्वर और अच्छा रिश्ता बना सकते हैं। ये सप्ताह आपके पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। ये लंबे समय की सफलता में योगदान देगा। अच्छा काम जारी रखे और आशावान रहे। परिणामों का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाए। ग्रहों की चाल आपके लिए यही संकेत देती है। प्रिय कर्क राशि वालों, इस समय आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। कर्क साप्ताहिक राशिफल की भविष्यवाणियों के अनुसार आप अपने लक्ष्यों में प्राप्त करेंगे और एक अधिक मैच्योर और प्रैक्टिकल व्यक्ति बनेंगे। ये नई क्षमताएं आपको अपने जीवन में जटिल मुद्दों से निपटने और समाधान खोजने के लिए आत्मविश्वास देंगी। अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताना जरूरी है। उन्हें आपकी देखभाल में मार्गदर्शन की आवश्यकता है। गलतफहमी से बचने के लिए अपनी माता पिता के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। अपने भाई बहनों को आपकी मदद की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए जब भी संभव हो उनका समर्थन करें। आपका प्रोफेशनल जीवन कुछ चुनौतियां ला सकते हैं। चीजों को पूरा करने के लिए अपनी सीनियर के साथ सहयोग करें। उच्च अधिकारियों के साथ किसी भी प्रकार की बहस में शामिल होने से बचें। अपने काम को गंभीरता से ले और इसे अच्छी तरह से मैनेज करें। विभिन्न प्रोफेशनल अवसरों में शामिल लोगों के लिए ये कुछ अच्छा समय है। आपकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होगा। हालांकि स्थिर जीवन के लिए अपनी सेविंग्स बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण वित्तीय मामलों में मतलब फाइनेंशियल मामलों में अपने परिवार के को शामिल करें ताकि वे पैसे के मूल्य को समझ सके। किसी भी वित्तीय समस्याओं के प्रभावी समाधान खोजने के लिए विशेषज्ञों से सलाह ले। अपने पार्टनर के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे। आप एक कपल के रूप में महत्वपूर्ण बातों को साझा कर सकते हैं। एक दूसरे को जरूरतों को समझे और उसके अनुसार प्रतिक्रिया दे। यदि आप एक सीरियस रिश्ते में हैं, तो ये शादी पर विचार करने के लिए एक अनुकूल समय है। अपने पार्टनर के साथ अक्सर और खुले तौर पर बातचीत करें।
ये सप्ताह आपको धैर्य का महत्व सिखाएगा। आप आध्यात्मिक विकास का भी अनुभव करेंगे जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ावा देगा और आपको जीवन की चुनौतियों से निपटने में सक्षम मैच्योर व्यक्ति बना देगा। प्रिय सिंह राशि वालों, सिंह साप्ताहिक राशिफल के अनुसार ये सप्ताह आपके और आपके परिवार के लिए आशाजनक समय लेकर आएगा। आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन को संतुलित करने में सक्षम होंगे। इस संतुलन का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। अपनी क्षमताओं पर ध्यान दें और इसी के अनुसार काम करें। आपका परिवार आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। ये नई दोस्त बनाने और स्थायी यादें बनाने का भी एक शानदार समय है। अपने परिवार को एक साथ लाने की अपनी क्षमता में विश्वास रखें और अपने माता पिता के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए यात्रा की योजना बनाएं। अपनी नौकरी को गंभीरता से ले और इस हर पेंडिंग कार्यों को पूरा करें। ये आपके सीनियर को प्रभावित करेगा और अपने सहयोगी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने में भी मदद करेगा। प्रमोशन का इंक्रीमेंट प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने का ये एक अच्छा समय है। साइंस की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स को ये समय लाभकारी लग सकता है। इस समय अपने वित्त पर मतलब फाइनेंशियल पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण है, वरना आप अपनी सेविंग्स को जल्दी खो सकते हैं। एक स्थिर वित्तीय स्थिति मतलब फाइनेंशियल स्थिति के लिए योजना बनाएं। आपके परिवार को इस संबंध में आपका सहयोग करना चाहिए, तभी आप अपनी इनकम को प्रभावी ढंग से बचा पाएंगे। अपने पार्टनर को के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं और अपने रिश्ते में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए मिलकर काम करें। आपका पार्टनर प्यार और देखभाल करने वाला है और वे आपको खुश देखना चाहते हैं। अधिक सोचना बंद करें और अपने रिश्ते में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करें। ये सप्ताह आपके और आपके परिवार के लिए रोमांचक रहेगा। आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन के महान चीजें हासिल करेंगे, जिससे मानसिक कल्याण और संतुष्टि होगी। भविष्य के पछतावे से बचने के लिए इन अवसरों का पूरा लाभ उठाएं और एक बेहतर कल की दिशा में काम करें। प्रिय कन्या राशि वालों, जून का ये सप्ताह आपके लिए आनंददायक रहने वाला है। आपको अपने पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन को बेहतर बनाने के कई तरीके प्राप्त हो सकते हैं। ये आपको मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा और आपको खुद का सबसे अच्छा वर्जन बनने में मदद करेगा। अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। इस सप्ताह अपने रिश्तेदारी के साथ मिलने की योजना बनाएं। ये नई दोस्त बनाने, यादें बनाने और आराम करने का भी एक शानदार समय है। अपने संबंध को मजबूत करने के लिए अपने निजी जीवन के महत्वपूर्ण मामलों के बारे में अपने भाई बहनों से बात करें। अभी अपने प्रोफेशनल जीवन पर ध्यान दे। काम से संबंधित कुछ यात्राएं हो सकती है। इस समय का उपयोग आराम करने और अपने सभी पेंडिंग कार्यों को पूरा करने के लिए करें। आपके सीनियर अधिकारी आपसे प्रभावित होंगे और इस सप्ताह
प्रमोशन मिलने की भी उच्च संभावना है। अच्छे काम जारी रखें और अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करें। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आप अपनी सेविंग्स में वृद्धि कर सकते हैं। आप प्रोफेशनल मदद भी ले सकते हैं, लेकिन चर्चा में संवेदनशील मुद्दों को शामिल न करें। अपनी वित्तीय स्थिति मतलब प्रोफेशनल फाइनेंशियल स्थिति, अपनी फाइनेंशियल स्थिति को बदलने के लिए अपने आप पर विश्वास रखें। आपका रोमांटिक रिश्ता बहुत अच्छा होगा और आप अपने पार्टनर के साथ अपने बॉन्ड में सुधार करेंगे। अपने पार्टनर पर भरोसा करें और एक कपल के रूप में अपने चिंताओं को साझा करें। इस बात को अनदेखा करें कि दूसरे आपके रिश्ते के बारे में क्या कहते हैं। यदि आप दोनों गहराई से जुड़े हुए और कमिटेड महसूस करते हैं, तो ये शादी करने पर विचार करने का एक शानदार समय है। ये सप्ताह आपको कई मूल्यवान सबक सिखाएगा। जीवन में सफल होने के अच्छे अवसरों का लाभ उठाएं और अपनी ताकत वो क्षमताओं की सराहना करें। सकारात्मक परिवर्तन समय के साथ आएंगे और आपके भविष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगे। मजबूत रहे और आगे बढ़ते रहे। प्रिय तुला राशि वालों, आपके लिए महीने के इस सप्ताह में शानदार समय रहने वाला है। तुला साप्ताहिक राशिफल के अनुसार आप शानदार तरीके से सफलता प्राप्त करेंगे, जो आपके करियर पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। वर्तमान में खुश और संतुष्ट रहने के लिए अपने काम और पर्सनल जीवन के बीच संतुलन खोजना आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपके परिवार के सदस्य अत्यधिक सहायक होंगे और आपको अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उन्हें अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट के बारे में बताना आपकी जिम्मेदारी है। अपने परिवार के साथ महत्वपूर्ण पर्सनल मामलों पर चर्चा करें और नियमित रूप से अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अपने प्रोफेशनल जीवन में आपको कम समय में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। ये अब पहली बार में चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन डेडिकेशन के साथ आप दिए गए समय के भीतर अपने सभी कार्यों को पूरा कर सकते हैं। इससे सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करने के अवसर मिलेंगे। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन बिजनेस में शामिल लोगों के लिए ये अनुकूल समय है। आपकी वित्तीय स्थिति मतलब फाइनेंशियल स्थिति सही रहेगी, लेकिन इस समय आप अपनी सेविंग्स में साथ सतर्क रहना महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र रूप से अपने वित्त को मतलब फाइनेंशियल को मैनेज करें और अपने धन के मामले में दूसरों पर भरोसा करने से बचे। वित्तीय मामले में मतलब फाइनेंशियल मामलों में अपने परिवार के सदस्यों को भी शामिल करें। इससे उन्हें पैसों के मूल्य को समझने में मदद मिलेगी। अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताना आपके संबंध को मजबूत करने का एक शानदार अवसर है। कम्युनिकेशन रिश्ते में मजबूती बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए अपनी चिंताओं के को खुले तौर पर और ईमानदारी से साझा करना आवश्यक है। रिश्ते में अपने पार्टनर की जरूरतों को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
यदि आप एक सीरियस रिश्ते में है तो ये रिश्ते को अगले लेवल पर ले जाने और शादी पर विचार करने का एक अच्छा समय हो सकता है। ये सप्ताह कई स्तरों पर असाधारण रहेगा। आप अपने जीवन में संतुलन खोजने और भविष्य के लिए अपने आत्मविश्वास में सुधार करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा आप अपने प्रियजनों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखेंगे, अच्छा काम जारी रखें और अपने पर्सनल वो प्रोफेशनल जीवन पर ध्यान केंद्रित करें। प्रिय विशेष राशि वालों, ये सप्ताह आपके और आपके परिवार के लिए सबसे अच्छा समय रहने वाला है। वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल के अनुसार आपके पास कोई अवसर होंगे। इसके अलावा आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में सकारात्मक बदलाव करने में सक्षम होंगे। आपका परिवार बहुत सहायक होगा और आपको धैर्य रखने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अपने भाई बहनों का ख्याल रखें क्योंकि उन्हें आपके मार्गदर्शन और समर्थन की आवश्यकता है। ये विवाह पर विचार करने के लिए एक अच्छा समय है। आपके परिवार के बुजुर्ग मूल्यवान सलाह प्रदान करेंगे जिसे आपको सुनना चाहिए। आपकी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स पर ध्यान दें। ये न केवल आपको कुछ नया शुरू करने की अनुमति देगा बल्कि आपके सीनियर को भी प्रभावित करेगा। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी से खुश नहीं है तो ये करियर की संभावनाओं के बारे में सोचने का एक अच्छा समय है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से जुड़े लोगों को ये अवधि लाभदायक लग सकती है। आपकी वित्तीय स्थिति मतलब फाइनेंशियल स्थिति आशाजनक होगी और आप अपनी सेविंग्स में काफी वृद्धि की उम्मीद कर सकती है। मूल्यवान सलाह प्राप्त करने के लिए वित्तीय मामलों में मतलब फाइनेंशियल मामलों में अपने परिवार को भी शामिल करें। परिवार में सभी सदस्यों में इनपुट प्राप्त करेंगे। आप सही निर्णय लेने और अपनी वित्तीय स्थिति मतलब फाइनेंशियल स्थिति में सुधार करने में सक्षम होंगे। अपने पार्टनर को के साथ आपका एक अच्छा संबंध होगा और आप अपनी सभी समस्याओं को साझा करेंगे। ये रिश्ते में सुधार करेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि आपका रिश्ता सही रास्ते पर है। अपने पार्टनर के साथ अपनी चिंताओं को साझा करें और एक साथ क्वालिटी टाइम बिताए। आप अपने परिवार को आगे बढ़ाने पर भी विचार कर सकते हैं। एक आशाजनक सप्ताह आपका इंतजार कर रहा है जिसमें आपको अपने आसपास के लोगों से पर्याप्त समर्थन और सहायता भी प्राप्त होगी। ये आपके लिए निकट भविष्य में मानसिक स्वस्थता और सुकून लाएगा। इसके अलावा आप आध्यात्मिक ज्ञान का अनुभव करेंगे जो आपको बुद्धिमान निर्णय लेने और जीवन में प्रगति करने में मदद करेगा। प्रिय धनुराशि वालों, आपके लिए इस सप्ताह अच्छा समय रहने वाला है। आप संतुष्टि का अनुभव करेंगे और अपने जीवन में सही दिशा पाएंगे। ये आत्म जागरूकता और पर्सनल विकास आपको लगातार सुधार करने और खुद का सबसे ज्यादा वर्जन बनने में मदद करेगा। साथ ही आपको जीवन में सभी क्षेत्रों में विकास और सफलता का अवसर लाएगा। आपका परिवार विशेष रूप से आपको माता पिता जीवन में सही रास्ते पर आपका मार्गदर्शन करेंगे। उनकी सलाह सुने और उनके साथ
क्वालिटी टाइम बिताए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे और छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं को अनदेखा ना करे। अपने भाई बहन इस सप्ताह आपको गर्व महसूस करवा सकते हैं। इसके अलावा विवाह पर चर्चा करने के लिए भी ये एक अच्छा समय है। अपने प्रोफेशनल जीवन में आप सफलता प्राप्त करेंगे। आप अपने सीनियर को प्रभावित करेंगे और वे भी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में के लिए आप पर भरोसा करेंगे। अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें और इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं। कंस्ट्रक्शन बिजनेस में शामिल लोगों के लिए भी ये अनुकूल समय है। ये सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होगा। नई निवेश के लिए ये एक अच्छा समय है क्योंकि रिस्क कम है। अपने निवेशकों के साथ बातचीत करते समय अवसरों का लाभ उठाएं। स्वतंत्र रूप से अपने वित्त को मैनेज करें, मतलब फाइनेंशियल को मैनेज करें। आपका परिवार भी वित्तीय सफलता, मतलब फाइनेंशियल सफलता प्राप्त करने में आपका समर्थन करेगा। आपका पार्टनर एक प्यार करने वाला और देखभाल करने वाला व्यक्ति होगा जो हमेशा आपके लिए खड़ा हो रहेगा। अपनी चिंताओं को व्यक्त करने और अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए एक साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। इसके साथ ही परिवार शुरू करने या यदि आप अकेले हैं तो शादी पर विचार करने जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर भी ध्यान दें। ये सप्ताह आपके लिए काफी भावनाएं रखता है। कोई अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं और हर एक का लाभ उठाना महत्वपूर्ण है। उनका अच्छी तरह से उपयोग करें ताकि आप भविष्य में खुद पर गर्व कर सके। ये आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को व्यवस्थित करने के लिए भी एक अच्छा समय है। विशेष रूप से आपके पर्सनल लक्ष्यों और उपलब्धियों से संबंधित। प्रिय मकर राशि वालों, ये सप्ताह आपके लिए भाग्यशाली समय रहने वाला है। ग्रहों की चाल आपके लिए यही सुझाव देती है। आपके लिए अपने जीवन और करियर पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। भले ही इसका मतलब अभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को छोड़ना ही क्यों ना हो। अपने जीवन में भाग्य के महत्व को समझें। आपके परिवार के सदस्य सही रास्ता दिखाने के लिए आपको समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताने से आपको मानसिक स्थिरता और शांति मिलेगी। अपनी करियर और किसी भी महत्वपूर्ण बदलाव पर अपने माता पिता के साथ चर्चा करें। यह आपके भाई बहनों के साथ अपने संबंध को मजबूत करने का एक शानदार अवसर है। आपके प्रोफेशनल जीवन को अपने ध्यान और मार्गदर्शन की आवश्यकता हो सकती है। अपने सीनियर के साथ ये सहयोग करें और अपने करियर की भावनाओं को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए सभी कार्यों को पूरा करें। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव फिल्म की स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों के लिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की जरूरत है। आपकी वित्त स्थिति, मतलब फाइनेंशियल स्थिति अच्छी होगी, लेकिन अपनी सेविंग्स में सुधार करना महत्वपूर्ण है। इस सप्ताह नई निवेश करने से बचे। अपने जीवन में अच्छे भाग्य के महत्व और अपने परिवार पर इसके प्रभावों के बारे में जाने। किसी भी समस्या से बचने के लिए स्वतंत्र रूप से अपने वित्त को, फाइनेंशियल को मैनेज करें।
आपका पार्टनर आपके इस अवधि के दौरान बहुत सारा प्यार और स्नेह देगा। ये आप दोनों के बॉन्ड को मजबूत करने का एक सही समय है। यदि आप अपने परिवार के बढ़ावे पर विचार कर रहे हैं, तो ये सही समय है। जब भी आप एक साथ हो तो अपना पूरा ध्यान अपने पार्टनर को दे। आपके संबंधों में सुधार होगा, इसलिए चिंता ना करें। ये सप्ताह आपके और आपके परिवार के लिए बहुत संभावनाएं रखता है। इस दौरान आप अपने करीबियों को दिखा सकते हैं कि आप उनकी कितनी परवाह करते हैं। अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि ये न केवल आपको उपलब्धियों की ओर ले जाएगा, बल्कि एक अच्छा जीवन भी देगा जिस पर आप गर्व कर सकते हैं। प्रिय कुंभ राशि वालों, ये सप्ताह कुंभ सप्ताह साप्ताहिक राशिफल की भविष्यवाणियों के अनुसार कुछ चुनौतियां ला सकता है। इस समय मुख्य मुद्दा जिसका आप सामना करेंगे वो है अपने पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन के बीच संतुलन खोजना। ये असंतुलन आपके परिवार के भीतर चिंताओं का कारण बन सकता है। अभी अपने जीवन के लक्ष्यों पर फोकस करना और कुछ चीजों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है, ताकि आप बाद में उनका आनंद ले सके। अपने परिवार के सदस्यों के साथ क्वालिटी टाइम बिताए और उन्हें अपने करियर के आकांक्षाओं को समझने में मदद करें। अपने रिश्तेदार अत्यधिक सहायक होंगे, इसलिए उनके सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त करना एक अच्छा विचार हो सकता है। इस दौरान अपने भाई बहनों का भी ध्यान रखें। प्रोफेशनल जीवन के बात करें तो आपको काम पर खुद को एडजस्ट करने के लिए बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है। एक अच्छी बात ये होगी कि इस अवधि के दौरान आपके सीनियर सहायक होंगे। हालांकि ये कलीग के प्रति सावधान रहे, जो आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। साप्ताहिक के अंत तक पहने सभी कार्यों को पूरा कर ले, ताकि आप वीकेंड में कुछ समय की छुट्टी ले सके। आपकी वित्तीय स्थिति अच्छी हो सकती है, लेकिन आपके लिए पैसे बचाना एक चुनौती है होगी। इससे निराशा और क्रोध हो सकता है। अपनी वित्तीय मतलब फाइनेंशियल स्थिति में सुधार के लिए आवश्यकता होने पर प्रोफेशनल मार्गदर्शन प्राप्त करें। आपके परिवार के लिए पैसे की मूल्य को समझना और उसके अनुसार बचत करना महत्वपूर्ण है। आपका पार्टनर एक प्यार करने वाला और देखभाल करने वाला व्यक्ति होगा, जो बिना शर्त आपका सपोर्ट करेगा। दोनों के बीच बेहतर संबंध बनाए रखने के लिए अपने रिश्ते में अधिक चुनौती से बचे। एक साथ क्वालिटी टाइम बनाए और अपने पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करें। चीजें जल्द ही सकारात्मक रूप से बदल जाएगी। ये सप्ताह आपको धैर्य और दृढ़ता की शिक्षा देगा। आप दूसरों को कमेंट से प्रभावित होने के बजाय अपना नजरिया रखने के महत्व का एहसास करेंगे। जीवन में अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं पर
ध्यान केंद्रित करने के लिए एक मजबूत नींव बनाएं। प्रिय मीन राशि वालों, जून का ये सप्ताह आपके और आपके परिवार के लिए सकारात्मकता और खुशी लाने वाला है। आप ऐसे अद्भुत समय का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अपने रास्ते में आने वाले अवसरों का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना महत्वपूर्ण है। ये आपके जीवन में आराम लाएगा और आपके शांति व संतुष्टि की भावना प्रदान करेगा। आपके परिवार के सदस्यों को आपकी देखभाल और मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। अपने भाई बहनों से बात करने और उनकी चिंताओं को समझने के लिए समय निकालें। लंबे समय तक खुद खुश रहने के लिए एक स्थिर भविष्य की योजना बनाएं। अपने रिश्तेदारी से मिलने और उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताने की योजना बनाइए। इस सप्ताह नई दोस्त बनाने की कोशिश भी करें। आपका प्रोफेशन आपके समय और ऊर्जा की मांग करेगा। बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। आपके सीनियर और आपके प्रदर्शन पर नजर रखेंगे, इसलिए लगन से आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। आपके कलीग सहायक होंगे और एंडिंग कार्यों को निर्धारित समय से पहले पूरा करने में आपकी मदद करेंगे। आप एक अनुकूल वित्तीय मतलब फाइनेंशियल स्थिति में होंगे, लेकिन आप अपनी सेविंग्स में सुधार करने और अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बुद्धिमानी से आप अपने वित्त का मतलब फाइनेंशियल का प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है। निवेश निर्णय लेते समय सतर्क रहे और आने वाले किसी भी अवसर का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करें। आपका प्रेम जीवन पलेगा फूलेगा और आपके अपने पार्टनर पर भरोसा रहेगा। यदि आप एक सीरियस रिश्ते में हैं तो ये शादी पर विचार करने के लिए एक अनुकूल समय है। हालांकि सुनिश्चित करें कि आप एक इस महत्वपूर्ण कदम को लेने से पहले अपने रिश्ते के बारे में पूरी तरह से निश्चित है। यदि आप कुछ समय पहले से विवाहित है तो ये आपके परिवार को बढ़ाने के बारे में सोचने का एक अच्छा समय हो सकता है। ये सप्ताह उत्सव और सौभाग्य से भरा रहेगा। आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन दोनों में शांति और खुशी पाएंगे। आपके द्वारा की गई कड़ी मेहनत के बाद ये एक विशेष उपलब्धि होगी। हर पल को समझे और अपने प्रियजनों के साथ सुंदर यादें बनाइए।